हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट टुडे आई विल डिस्कस अर्थमेटिक रीजनिंग क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग पे बेस्ड। अगर हम बात करते बेटा अर्थमेटिक रीजनिंग की, तो अर्थमेटिक रीजनिंग को आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ आपको ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक से रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन्स मैथ्स, मीन्स कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है और सिंपल आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वर्ड प्रॉब्लम्स के अंडर भी ले सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और यू कैन से दीज आर सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ही हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और हम इसको ये भी कह सकते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। मींस कि आप ये नहीं कह सकते कि सिंपल आपने कोई फॉर्मूला लगाया और आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर क्या है कि आपको लॉजिक अप्लाई करना है कहीं ना कहीं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए डाल रहा है कि आपका पता चले कि आपका जो मेंटल लेवल है वो कितना है, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, ठीक है। तो आपके पास में जो सिचुएशन गिवन होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे सिचुएशनल नहीं है, साथ में उसके अंदर कुछ अर्थमेटिक भी ऐड हो रहा है। मींस कि उसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशन भी करनी है, तो वो क्या हो गया आपके पास में अर्थमेटिक रीजनिंग। ओके, तो अभी कुछ आज के क्लास के अंदर मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग के और हमने कैसे सोल्व करना है। ओके, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूंगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास बेटा। 4 to 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर इस तरह के, ठीक है ना। तो इसके लिए आप या तो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वर्ड प्रॉब्लम सर्च करके कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के, या फिर आप ये कह सकते हो कि अर्थमेटिक रीजनिंग से आप सर्च कर लोगे तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल पे अलग अलग से सर्च नहीं करना, तो अभिपीडिया के अंदर भी माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक रीजनिंग, सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिल जाएगा, और अर्थमेटिक रीजनिंग देखोगे तो बेटा रीजनिंग के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। डन, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है जो कि सीसेट 2020 के अंदर आया हुआ था। हाँ जी बेटा, सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी आज मैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी कोई भी कंटेंट उठाया और हमने पढ़ लिया, सिर्फ वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं जैसा कंटेंट एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आता है, एक्चुअल में आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन। ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स 40 kg। एक वेसल है जिसके अंदर वाटर फिल है, उसका वेट कितना है, 40 kg है। कह रहा है इफ इट इज वन थर्ड फिल इट्स वेट्स बिकम 20 kg। अगर वो वन थर्ड फिल है तो उसका वेट कितना बन रहा है, 20 kg है। तो अब बताओ कि जो खाली वेसल है, एम्प्टी वेसल है, उसका वेट कितना होगा। तो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई अगर मान लो वेसल है और उसके अंदर में वाटर फिल है, दैट मीन्स कि अपना जो वेसल है और वाटर दोनों का कंबाइंड वेट है, दोनों का जो कंबाइंड वेट है वो कितना है, 40 kg है। अगर मैं कहूँ कि भाई जो वाटर है, ठीक है, उसका वेट है W, और जो हमारा वेसल है उसका वेट कितना है, V है, तो टोटल मिला के जो वेट है वो कह रहा है कि 40 kg है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो वेसल वन थर्ड फिल है, सिर्फ कितना फिल है, 1/3, दैट मीन्स कि वाटर तो 1/3 है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि वेसल का वेट तो उतना ही रहेगा, वेसल थोड़ी ना कम हो जाएगा, वेसल का वेट तो बेटा उतना ही रहेगा, दैट मीन्स कि वेसल का वेट तो उतना ही है। अभी क्या हो गया, कह रहा है कि भाई 20 हो गया। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या एक छोटा सा लॉजिक लगाया कि जो वेसल है उसका वेट तो सेम रहेगा, सिर्फ वाटर का वेट के अंदर डिफरेंस आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, माइनस करते हैं, तो हमारे पास में कितना बच गया, 2/3 ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स कि वाटर कितना आ गया हमारे पास में, 30 kg। वाटर कितना है फुल के अंदर, 30 kg। अगर भाई फुल 30 है और टोटल क्या कह रहा था, वाटर और वेसल का वेट कितना है, 40, तो वेसल का वेट कितना हुआ, वेसल का वेट 10 kg हुआ, तो वेसल का वेट कितना आ जाएगा, 10 kg। सिंपल, हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो उसने कहा वाटर और वेसल दोनों का मिला के 40 kg वेट है, हमने यहां से निकाला कि जो फुल वेसल है उसके अंदर वाटर कितना है,
30 kg है, 30 kg है, दैट मीन्स कि जो वेसल है उसका वेट कितना आ रहा है, 10 kg आ रहा है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगेन 2020 का क्वेश्चन है. 2020 का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ए ड्राइड वेल. एक फ्रॉग है, एक वेल के अंदर है वो, और वो इससे बाहर निकलना चाह रहा है. वेल ऑफ 4.5 meter डीप विद स्लिपरी वॉल्स. जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या है, इंटरनली स्लिपरी है. एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 30 cm स्लाइड्स डाउन 15 cm. हर बार क्या करता है, 30 cm ऊपर चढ़ता है, बट स्लिप करके नीचे आ रहा है 15. ओके दैट मीन्स कि एक जंप के अंदर टोटल जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, 15 cm ही हो रहा है, बिकॉज 30 चढ़ रहा है और 15 फिर वापिस आ रहा है वो. ओके तो अब कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट द वेल. वेल से बाहर आने के लिए उसको टोटल कितनी जंप्स की रिक्वायरमेंट है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आप देखो कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है. इसके अंदर जो छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखने वाला, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करेंगे कि भाई एक जंप के अंदर वो सिर्फ 15 ही जंप कर पा रहा है. दैट मीन्स कि अगर 4.5 meter है, दैट मीन्स कि 450 cm है, तो उसको कितना लगेगा, 30 जंप्स की रिक्वायरमेंट होगी और हम 30 आंसर करके आ जाते हैं. नहीं, दिस इज रॉन्ग. ओके थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइए अपना, थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे सभी. वो क्या कह रहा है कि भाई जब वो जंप कर रहा है, ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, 30 की उसकी जंप है, जंप जो उसकी टोटल वो तो 30 की है, बट वो स्लिप करके वापस 15 आ रहा है ना, स्लिप करके. दैट मीन्स कि जब मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे ये 30 बचा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो जब वो जंप करेगा तो जंप करके यहाँ से बाहर आ जाएगा, स्लिप क्यों करके वापिस आएगा, स्लिप करके वापिस थोड़ी ना आएगा, सिंपल. तो यहाँ पे यही छोटा सा एक लॉजिक है. दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ तक, दैट मीन्स टोटल जो है आपके पास में जो 450 cm का वेल है, इसके अंदर से 420 cm, तो वो कैसे चलेगा भाई, 30 जंप किया फिर 15 वापस स्लिप करके आ गया, फिर 30 जंप किया फिर 15 स्लिप करके आ गया. दैट मीन्स कि एक जंप के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके पास में, 15 cm का. कितना जंप कर रहा है, 15 cm का. ओके आप उसको 420 तक वो कितना जंप की जरूरत पड़ेगी उसको, 1/15 × 420. ओके कितना हो गया, दैट मीन्स कि 28 jumps. अब 28 जंप्स तो ये हो गए. अब वो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है. अब उसने एक और छलांग लगाई और बाहर आ गया, दैट मीन्स कि 30 की वो लगाएगा, दैट मीन्स कि 1 jump इज रिक्वायर टू कम आउट, दैट मीन्स कि टोटल जंप्स कितने हो गए, 29. सो योर आंसर विल बी 29, नॉट 30. ओके क्लियर है बिल्कुल. तो ये क्या है आपके पास में, सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड अप्लाई करना है कि भाई जब वो लास्ट जंप लगाएगा तो वो स्लिप करके बाहर थोड़ी ना आएगा. ओके नेक्स्ट देखिए. अब इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ये लगा लो लॉजिक वाले क्वेश्चंस आते हैं. सिंपल था वैसे, उसमें कोई कैलकुलेशन थी मुश्किल नहीं थी. अब देखो एक और क्वेश्चन है 2021 का बेटा, 2021 का क्वेश्चन है. क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ए बॉय प्ले विद ए बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 meter. 1.5 meter से एक बॉय है, ये जैसे यहाँ पे है मेरे पास बॉल है. अब यहाँ पे नीचे से बॉल ऊपर जाने की बात नहीं, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ध्यान से रखो. जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसको ऐसे नीचे फेंक रही हूँ, ठीक है. तो वो यही कह रहा है कि ए बॉय प्लेज विद ए बॉल, एक बॉल के साथ में प्ले करना है, एंड ही ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 meter. 1.5 meter से उसने नीचे उसको ड्रॉप कर दिया. डन. एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड. अब यहाँ से वो क्या कह रहा है, जब वो ग्राउंड के साथ में, हम ये मान रहे हैं दिस इज द ग्राउंड, इट बाउंस बैक टू अटेन ए हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस. तो वो जितनी हाइट उसकी पहले वाली है उससे वो कितना जा रहा है, जब दोबारा से जा रहा है तो 4/5 जा रहा है. कितना जा रहा है, 4/5 जा रहा है. डन. किससे, प्रीवियस हाइट से. द बॉल डज नॉट बाउंस आफ्टर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 cm. अगर हाइट 50 cm से लेस है देन बाउंस नहीं होगी. देन वाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग. तो बताओ कि हाँ जी कितनी बार ग्राउंड से टच होगी बाउंस करने से पहले. ओके क्वेश्चन क्लियर है.
सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, हर बार 4/5 हो रही है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि हर बार, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 1.5 मीटर है, आप ये कह सकते हो भाई 150 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में कितना होगा, इसका 4/5 हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हर बार आप इसको कैंसिल आउट करो और फिर कैलकुलेशन करो, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सिंपल सा हमें पता है कि भाई 4/5 का मीनिंग क्या है, 4/5 दैट मीन 0.8, सीधा उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और एक पॉइंट आपका जो डेसिमल पॉइंट है वहां से एक लेफ्ट चले जाओ, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका 4/5 होती हूँ, अब फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, यहां से बॉल नीचे आई, ग्राउंड पे यहाँ पे टच होगी वन टाइम, ओके। अब यहां से बाउंस किया उसने, और बाउंस करने के बाद कितना हो गया, 4/5 हो गया, दैट मीन्स की 1/8। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 8 = 120, दैट मीन्स की 120 सेंटीमीटर आ गया। अब 120 सेंटीमीटर दैट मीन्स की मोर देन 50, दैट मीन्स की नीचे जब आ गई तो फिर दोबारा बाउंस करेगी, जब बाउंस करेगी अगेन क्या जाएगा, 4/5, 4/5 दैट मीन्स की अगेन 0.8 / 96, कितना आ जाएगा, 96, ओके। तो कितना आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स की फिर नीचे आ गई बॉल। अब जो बॉल नीचे आ रही है तो उसके बाद में अगेन क्या करेगी, बाउंस करेगी, कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से बेटा फिर 4/5 दैट मीन्स की 0.8, 8 से करेंगे तो ये हो गया आपके पास में, 8 से करोगे तो 8 × 48, 9 × 54, 8 से करेंगे बेटा, ठीक है, 8 × 48, 4 × 9 = 72 और 4 = 76, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में, 78 पॉइंट आ गया। दैट मीन्स की फिर दोबारा से नीचे आने के बाद में क्या करेगी, बाउंस करेगी, नेक्स्ट टाइम अगेन यहां से ऊपर गई, कितना होगा, 4/5, दैट मीन्स कि अगेन 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.8 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपके पास में, 8 × 8 = 64, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल एक इधर जा रहा है, पहले बेटा जीरो था तो 0 0 से हम कैंसिल आउट कर रहे थे, अब कितना हो गया ये, हाँ जी ये आपके पास में कितना हो गया बेटा, 16.44, दैट मीन्स कि अगेन नीचे आएगी आपके पास में। अब नीचे आने के बाद अब दोबारा से उसने बाउंस किया, जब यहाँ से देखो, यहाँ से 150 से एक बार आई, फिर 120 से आई, ठीक है, फिर 96 होगी, फिर आ गई, ये हो गया, फिर आपके पास में आ गई, फिर ये हो गया, फिर आपके पास में ये यहाँ पे आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे उसके बाद में जब ये 150 से आ रही है, तो उसके बाद जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब देखो अगेन कितना हो जाएगा आपके पास में, बाउंस करके ऊपर चलेगी, यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ पे अब मेरी बॉल, ठीक है, अब बाउंस करके ऊपर गई, अब उसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, अगेन 4/5, दैट मीन्स की 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 × 32, 8 × 32 और 3 = 35, और ये हो गया बेटा 9 × 48 और 49, ठीक है, 49.52। अब 49.52 अब नीचे तो ऑब्वियसली आएगी, चीज जितनी भी हाइट तक गई नीचे तो आएगी, नीचे तो आ गई, ठीक है, बट यहाँ से फिर बाउंस करेगी, नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए बाउंस नहीं करेगी, बिकॉज क्या हो गया, लेस देन 50 हो गया, ओके। तो कितनी बार बाउंस करा उसने, 6 times, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 times, ओके, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपने कि भाई जब वो बाउंस कर रही है तो हर बार कब बाउंस करेगी, जब उसकी 50 से लेस होगी तो उसके बाद में बाउंस नहीं करेगी, जब तक मोर देन 50 सेंटीमीटर जा रही है वो तब तक बाउंस करेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 49.156 हो गया, 152 हो गया सॉरी, तो कितना हो गया आपके पास में, बाउंस नहीं करेगी। तो उसने यहाँ पे भी ये नहीं पूछा कि कितनी बार बाउंस करेगी, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो कहता है कितनी बार बाउंस करेगी, भाई फर्स्ट टाइम यहाँ से फेंका उसके बाद में कितनी बार बाउंस करेगी, उसके बाद में क्या है, 5 times बाउंस करेगी, ठीक है, बट उसने यहाँ पे कहा कि वो यहाँ पे ग्राउंड से कितनी बार टच करेगा, बिफोर बाउंसिंग से पहले ग्राउंड पे कितनी बार टच करेगा, तो बाउंसिंग से पहले ग्राउंड पे कितनी बार टच करेगा, 6 times टच करेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ 2021 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम फरवरी 1st 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ ईयर इज 80 + 0.1 m, वेयर m इज इक्वल टू 1, 2, 3 up to 100, ठीक है, दैट मीन्स 100 ही जा रहा है, 100th डे के बाद में उसका प्राइस फिक्स हो रहा है एंड देयरफॉर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके। नाउ ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर और nth डे ऑफ 2021 वाज 69.69
69 plus 0.15 n 4 MeN. On which date of 2021 are the prices of these two fuels equal? कह रहा है दोनों का price equal कब होगा? ठीक है, अब अगर हम बात करते बेटा पेट्रोल के, तो पहले तो ऐसे गिनने की जरूरत नहीं कि भी एक दिन के बाद कितना प्राइस हो गया, दूसरे दिन कितना प्राइस हो गया. तो पहले यहाँ पे देखो कि हमारे जो ऑप्शन है उसके अंदर मे का मंथ गिवन है. मे का मंथ गिवन है, दैट मीन्स कि अप्रैल तक का तो काउंट होगा ही होगा. अगर मैं बात करती हूँ अप्रैल तक की, ठीक है ना, तो 30th अप्रैल तक को अगर मैं देखूँ तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास में, जैन, ठीक है, फेब, मार्च एंड अप्रैल. ओके, कितना हो गया ये आपके पास में, दिस इज 120 डेज. दैट मींस कि मोर देन 100 ही हो रहा है, मोर देन 100 हो रहा है. दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे एम की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे आप, 100 ही कंसीडर करोगे. तो वैल्यू क्या होगी, 80 प्लस 0.1 इंटू 100, दैट मींस 90 रुपीज पर लीटर. ओके, इसके बाद में तो 20th डे है, तो 21st डे है, कोई भी है आपके पास में मई की कोई डेट है, चाहे मई की डे 1 है, 2 है, 3 है, सभी पे प्राइस सेम रहेगा. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, डीजल की. हाँ जी, अगर हम डीजल की बात करें तो उसने क्या कहा कि भाई 69 प्लस 0.15 n फॉर एनी एन, दैट मीन्स कि यहाँ पे डे कंसिडर होगा, यहाँ पे डे कंसिडर होगा. और उसने कहा कि दोनों पे इक्वल कब रहेगा, इक्वल कब रहेगा, दैट मीन्स कि ये जो प्राइस है मुझे कितना चाहिए, इसके इक्वल ही चाहिए, इसके इक्वल चाहिए. दैट मीन्स कि इसको 90 के इक्वल पुट कर दे, कोई इशू, इसको 90 के इक्वल पुट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, ये कितना आ गया, 0.15 n इज इक्वल टू, इसको मैंने इसके अंदर से बेटा माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 21 आ गया. क्लियर, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 21 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100. 100 क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये 0.15 है, इसको आप क्या पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे 100 आ जाएगा. ओके, इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 से कैंसिल आउट कर लो 7, 3 से 5 और 5 से बेटा ये हो गया 2, दैट मीन्स कितना आ गया, 140. दैट मीन्स कि जन फर्स्ट जैन से 140 डेज, दैट मीन्स कि भाई 30th अप्रैल तक तो 120 डे थे, इसके बाद में मतलब 40 तक कितने और चाहिए, 20 और चाहिए. दैट मीन्स क्या आ जाएगा आंसर अपने पास में, 20th मे विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट, कोई इसमें डाउट, सिंपल प्लस माइनस है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यूज हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको क्या लगाना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने कहा कि 100 के बाद फिक्स हो गया प्राइस, 100 के बाद फिक्स हो गया प्राइस, मीन्स कि 101th डे पे भी सेम रहेगा, 120th डे पे भी सेम रहेगा, 129th डे पे भी सेम रहेगा, 120th डे पे भी सेम रहेगा. ओके, तो एक तो हमारे पास फिक्स हो गया और वो कह रहा है कि दोनों को इक्वल करना, तो हम इसको इक्वल कर देंगे. तो यहाँ पे 140 डेज आ गए, तो 140 डेज कब बनेंगे, 20th मे को. क्लियर, यस. नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सी सेट 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 19 का क्वेश्चन है. क्या है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बोट 10 बॉल्स एंड 10 रॉकेट्स, 10 बॉल्स एंड 10 रॉकेट्स. डन, राकेश स्पेंड 1300 एंड राजेश स्पेंड 1500, दोनों ने कितने पैसे लगाए, एक ने 1300 लगाए तो दूसरे ने कितने लगाए, 1500. दैट मींस कि दोनों ने कितने लगाए, 2800. क्लियर, आगे है, इफ ईच रॉकेट कॉस्ट 3 टाइम्स ए बॉल, रॉकेट की कॉस्ट किसके बराबर है, 3 बॉल्स के इक्वल है, ये गिवन आपको, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट का प्राइस क्या होगा, रॉकेट का प्राइस क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए बेटा, इस आर की जगह पे, रॉकेट की जगह पे मैं 3 बॉल ले लूँ तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में, 30 बॉल्स के इक्वल होगी. दैट मीन्स कि 10 रॉकेट्स का प्राइस किसके इक्वल हो गया, 30 बॉल्स के इक्वल हो गया. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में बॉल्स की, दिस इज 40, बी इज इक्वल टू 2800, मीन्स बी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 70, मीन्स वन बॉल इज ऑफ 70 रुपीज. डन, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वट इज द प्राइस ऑफ रॉकेट, अब रॉकेट का प्राइस क्या था, बॉल से 3 गुना, दैट मीन्स कि 3 × 70, 210 रुपीज. सो योर आंसर विल बी 210 रुपीज. हाँ जी, कोई डाउट किसी को,
अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर कुछ समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, तो इन दैट केस यू विल लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में सभी ने मुझे कमेंट्स भी करके बताना है कि कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को. ओके और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करके देखने. और दूसरा, अगर आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हो जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो. या सभी ने शेयर करना है, जल्दी से शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2018 का. क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन सी एंड डी. ए एंड बी इज मोर देन सी एंड डी टूगेदर. And the sum of income of A and C is same as B and D. A and C की क्या कह रहे हैं? A and C is same. Same means equal. That means B and D. Okay? Moreover, A earns half as much as the sum of income of B and D. क्या कहा है? A earns half. किससे? B and D. देन ये हमारे पास गिवन है. अब साथ में आपसे पूछा क्या गया है इसमें, देन हुज इनकम इज हाईएस्ट. तो बताओ किसकी इनकम सबसे ज्यादा है, किसकी इनकम सबसे ज्यादा है. तो अब देखो यहाँ पे बेटा, हमें पता है कि भाई यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास में बी प्लस डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2A के इक्वल आ जाएगी. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरे पास में, ये वाली, ये किसके इक्वल आ गई, 2A के इक्वल आ गई. दैट मीन्स कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2A लिख सकती हूँ. हाँ जी, इसकी जगह पे हम 2a लिख सकते हैं. जैसे ही हमने 2a लिखा, दैट मीन्स कि क्या हो गया, a इज इक्वल टू c हो गया. ये a इधर चला जाएगा, c यहाँ पे है, a इज इक्वल टू c हो गया. ठीक है, अगर a इज इक्वल टू c है तो अगर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, ये a और ये c दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. दैट मीन्स कि यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आ गया फिर, b इज ग्रेटर देन, हाँ जी, a और c इक्वल है, दैट मीन्स कि b इज ग्रेटर देन d. अब चारों वेरिएबल को हम कंपेयर कर सकते हैं. भाई जो ए और सी है वो तो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कि जो इक्वल है वो तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता. ठीक है, बी ग्रेटर है डी से, दैट मीन्स कि सबसे बड़ा कौन हो गया, डी. सबसे ज्यादा इनकम किसकी हो गई, डी की. तो यहाँ पे अपने पास में आंसर किसकी हो गई, बी की हो गई बेटा. बी इज ग्रेटर देन डी है ना, तो बी की इनकम सबसे ज्यादा है. तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा. हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या है क्वेश्चन. एक क्लास स्टार्ट एट 11 AM, एक क्लास 11 AM शुरू हो रही है एंड लास्ट स्टिल 2:27 PM, 2:27 तक चल रही है. ठीक है, फोर पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशंस आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल. टोटल कितने पीरियड्स हो रहे हैं, चार पीरियड हो रहे हैं. आफ्टर एवरी पीरियड ए रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द स्टूडेंट. द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड इज, द एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना होगा. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपना माइंड अप्लाई करना है कि भाई चार पीरियड हैं और हर एक पीरियड के बाद में 5 मिनट्स का रेस्ट हो रहा है, तो टोटल रेस्ट कितना होगा. टोटल टाइम तो हम ये देख लेंगे कि टोटल टाइम कितना है, 11 बजे से लेके कितना, 2:27 तक. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखना है कि भाई उनका रेस्ट कितना है, रेस्ट कितना है. तो अब यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो भाई 4 पीरियड्स है तो 5 5 करके 20 का रेस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि वहीं पर हम क्या हो गए, रॉन्ग हो गए. ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं अभी 4 पीरियड्स की, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड. ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद में यहाँ पे रेस्ट. ठीक है, फिर सेकंड पीरियड शुरू हो गया, फिर उसके बाद में फिर रेस्ट, फिर थर्ड पीरियड शुरू हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, थर्ड पीरियड शुरू हो गया, उसके बाद में आपके पास में फिर रेस्ट, रेस्ट के बाद में क्या है, फोर्थ पीरियड शुरू हो गया. फोर पीरियड्स ऑफ इक्वल इक्वल कह रहा है ना, तो फर्स्ट के बाद में रेस्ट, देखो फर्स्ट के बाद में रेस्ट होएगा, फिर सेकंड के बाद में रेस्ट हो गया, फिर थर्ड के बाद में रेस्ट हो गया, और फिर फोर्थ पीरियड शुरू हो गया, फिर उसके बाद क्लास ओवर होगी. जब क्लास ओवर होगी उसके बाद तो खत्म ही हो गया. दैट मीन्स कि जो रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम कितना हो गया, फिफ्टीन मिनट का. ठीक है, और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना है, 11 to 2, दैट मीन्स 3 आवर्स तो पूरे हो गए, 3 आवर्स तो पूरे हो गए एंड 27 मिनट्स, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 180 + 27, दैट मीन्स 207 मिनट्स. ओके, तो 207 मिनट्स.
दैट मीन्स कि वन पीरियड का टाइम कितना होगा, फोर पीरियड्स का कितना टाइम है, 207 माइनस 15, ओके कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 2 एंड दिस इज 9, ओके ये हो गया बेटा 192। तो वन पीरियड का कितना टाइम हो गया, डिवाइडेड बाई 4, 4 चौके 16, 4 8 दैट मीन्स 48 मिनट्स, सो योर आंसर विल बी 48 मिनट्स। ओके सिंपल था, सिंपल था, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2016 का क्वेश्चन है बेटा, 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मैनी एज रुपीज एज मच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हर एक बच्चे ने कितने कितने पैसे दिए, जितने की स्टूडेंट्स हैं। अब ये कंसेप्ट मैं बार बार आप लोगों को करा चुकी हूँ कि कभी भी ऐसे आ जाए एज मैनी एज, ठीक है, जितने स्टूडेंट उतने ही रुपए, या जितनी रोज उतने ही कॉलम, या सॉलिड स्क्वायर, या इस तरह के कोई भी फॉर्म आ जाए, तो उस केस के अंदर हमेशा क्या करना है आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं, या फिर जो भी रो या कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले तो ये यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग पता चल गया, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है विद एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपीज बाई 1 स्टूडेंट ओनली, एक स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा 2 रुपए दे दिए, द टोटल कलेक्शन इज 443। अब टोटल जो कलेक्शन है वो कितना है, 443 का। अभी 443 कब बन रहा है, जितने स्टूडेंट जितने पैसे से 2 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना, 2 रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी एज मैनी रुपीज एज मैनी स्टूडेंट, तो कितने बने 441, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 441 दैट मींस 21 स्टूडेंट्स, ओके सो योर आंसर विल बी 21, डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी बेटा प्रैक्टिस के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, या तो सिंप्लीफिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, माइक्रो कोर्सेज में गिवन है, देन वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है वो भी ले सकते हो, डिटेल में वहाँ पे करवाया हुआ है, या फिर आप क्या कर सकते हो अर्थमेटिक रीजनिंग इन लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जा सकते हो, डन। हाँ जी नेक्स्ट 2016 का ही क्वेश्चन है, क्या है कि 30 ग्राम ऑफ सुगर वाज मिक्स्ड इन 180 ml वाटर, ठीक है, इन वेसल ए, 40 ग्राम ऑफ सुगर वाज मिक्स्ड इन 280 ml ऑफ वाटर इन वेसल बी, 20 ग्राम ऑफ सुगर वाज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ वाटर इन वेसल सी, द सॉल्यूशन ऑफ वेसल बी इज स्वीटर देन सी, स्वीटर देन ए, एज स्वीट एज सी, और लेस स्वीट देन सी। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि उसकी कंसेंट्रेशन की, कि जो स्वीट की कंसेंट्रेशन की, तो उस केस के अंदर देखिए अगर मान लीजिए वाटर कम होगा और स्वीट ज़्यादा होगी, इन तभी क्या होगा आपके पास मीठा होगा ना ज़्यादा, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही है कि अगर मान लो हमने चेक करना है कि किसके अंदर कितनी स्वीटनेस है, तो उस केस के अंदर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देयर आर 3 वेसल्स, ओके तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा शुगर होगी कम पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, तो उसके अंदर देखो आपने क्या करना, शुगर की कंसेंट्रेशन चेक कर रही है, तो बेटा शुगर को लो फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, 30 ग्राम इन 180, ठीक है, दूसरे के अंदर क्या कह रहा है, 40 ग्राम इन 280, और तीसरे में क्या कह रहा है, 20 ग्राम इन 100, ओके तो अब यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, सोल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया 1/6, दिस इज 1/7 एंड दिस इज 1/5, ओके अब ये 3 वैल्यूज आ गई आपके पास में, अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जब आपके पास वैल्यूज फ्रैक्शन में होती है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है, लेस है, तो देखो बेटा जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा उसकी वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा होगी, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्वीटर कौन है, सी, ठीक है, सी के बाद कौन है, ए, और फिर बी, ठीक है, दैट मीन्स स्वीट ये हो गया आपके पास में, ठीक है, सी देन ए एंड देन बी। अब यहाँ पे तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ बी को ही कंपेयर करना, अब यहाँ पे देखो बी इज स्वीटर देन सी, अब यहाँ पे देखो बी तो स्वीटर नहीं है सी से, दैट मीन्स की फर्स्ट रॉन्ग हो गया, देन कह रहा है बी इज स्वीटर देन ए, अब यहाँ पे देखो बी इज स्वीटर देन ए, नहीं ये भी गलत हो गया,
डन। उसके बाद कह रहा है एज स्वीट एज सी, अब इक्वल तो कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग गया। बी इज लेस स्वीट देन सी, तो यहाँ पे हमने देखा बी इज लेस स्वीट देन ए एंड सी बोथ, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि सी से लेस हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास में करेक्ट हो गया। डन, हाँ जी बताइए कोई इसके अंदर डाउट किसी को, क्लियर है सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कह रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर, फर्स्ट स्टेप है लैडर का उस पर, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर इफ ही हैज टू क्लाइंब फोर मोर स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली इन द मिडल, अब उसको चार और स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, दैट मीन्स कि 1, 2, 3 and 4th, और ये क्या कह रहा है कहाँ पहुँच गया, मिड के अंदर। देन हाउ मैनी स्टेप्स डज द लैडर है, तो बताओ लैडर के अंदर कितने स्टेप्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है आपके पास में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट मीन्स कि फिफ्थ मिड है, मिड मीन्स कि जितने मिड से नीचे उतने ही ऊपर, अगर हम ऊपर देखेंगे तो 1, 2, 3 and 4, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 9 हो गए, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, 9। ओके, सो आई होप जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं इजी थे, साथ में आपको समझ भी आए होंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि भाई ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, दिस इज मस्ट, क्योंकि सी सेट को किसी ने लाइटली नहीं लेना। अगर आप ये सोचते हो ना कि इंग्लिश के बेस पे हमारा सी सेट क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर जो ऑप्शंस है वो इतनी क्लोज होती हैं कि आप एक आपको ये लगता है कि हाँ जी ये भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर हो सकती है, बट अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस देखते हो, तो बेटा इसके अंदर आपका एक फिक्स आंसर आ जाता है, और जो आंसर आता है वो अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ जी मेरा करेक्ट है, दैट मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसलिए क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग सभी ने अच्छे से करना है, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे सभी ने फोकस करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।